हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज बनाएंगे झींगी पार्सल्स। देखकर पता लग गया होगा ना आपको, मुंह में पानी आने वाले। तो आज ये डोमिनोज जैसे झींगी पार्सल्स तैयार करेंगे। तो इनको बनाना बहुत इजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो झींगी पार्सल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और 1/4 कप दूध लिया है और 1/2 कप शुगर लिया है। तो यहाँ पर 1/4 कप मिल्क डाल दिया मैंने और इसमें 1/2 कप शुगर डाल आधा चम्मच शुगर डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। जब ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, तब मैं ये ईस्ट ऐड करूँगी इसमें। तो ये ईस्ट आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा और 1/2 चम्मच ही इसमें मैं ईस्ट ऐड करूँगी। और ईस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर दें स्पून से। बस इतना मिक्स करना है इसको। उसके बाद में इसको आप किसी भी प्लेट से ढककर रख दें और उसके ऊपर कुछ वजन वाली चीज़ रख दें ऐसे। और उसके बाद में मैंने इसको थोड़ी देर में खोल कर देखा है तो ये एक्टिव हो गया है। और इसके बाद में मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है 1 कप और इसको हाथ से अच्छे से मैं इसका डो बना लूँगी। तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड करती जा रही हूँ। तो ये डो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट नहीं बनेगा, थोड़ा लूज़ सा डो बनेगा ये। और इसको अच्छे से बनाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ हाथ में। तो इसको 5 मिनट तक आपको ऐसे बस करना होगा, थोड़ा सा नीड और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें जिससे आपके हाथ में स्टिक ना हो ज़्यादा। तो अच्छे से मैं इसको नीड कर रही हूँ और बस ये 5 मिनट तक मुझे ये प्रोसेस करना होगा। बहुत देर तक ये प्रोसेस नहीं करना है, 5 मिनट में ही ये अच्छे से बन जाता है और ये हाथ से छूटने लगता है। तो आप देख सकते हैं। और इसको मैं ऐसे करके रख देती हूँ 1 आवर के लिए। तो 1.5 आवर के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने फिलिंग तैयार की है, तो मैंने बटर डाला है। बटर में मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाला है, ग्रीन चिलीज। और उनको अच्छे से मैं सॉटे कर रही हूँ बटर में। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और मैंने शुगर भी ऐड किया है 1 चम्मच, कैमरा ऑफ हो गया था। उसके बाद जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से चलाते हुए, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर हो तो आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे से चला लूँगी। और उसको मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैंने साथ में डाला है, बस हल्का सा सॉटे करना है। उसके बाद मैंने चीज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो ये प्रोसेस चीज़ है और ये मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो मोज़रेला डालना हो तो डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है इसमें 1/2 टीस्पून। और उसके बाद मैंने इसमें लाइम जूस ऐड किया है, 1/2 लाइम का जूस है ये। और इसको अच्छे से चलाते हुए मैंने इसका इसको बना लिया है। और इसके बाद यहाँ भी मैंने ऑरिगेनो और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है इसमें और थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लेकर, ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, हाथ पे लगाकर इसको अच्छे से ऐसे इसका एक डो बना लें। चारों तरफ से इसको यहाँ से ये लग गया है पूरे इस पर, तो हटा लें उसको। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा अभी इसका मैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना होगा इसके बाद में, क्योंकि ये फर्मेंट हो चुका है अभी अच्छे से। और उसके बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से आटे में ऐसे कोट कर लिया है क्योंकि ये काफ़ी लूज़ है। और उसके बाद ऐसे मैंने इसका एक अलग से मैं ये इसको पीसेज में कट कर लूँगी यहाँ पर। तो 6 पीसेज में मैंने इसको कट कर लिया है, इक्वल पार्ट्स में कट करें आप। और यहाँ पे मैंने 6 पीसेज में कट किया है और ऐसे मैं यहाँ पर एक पार्ट लूँगी इसका और उसमें लोई बनाकर मैंने हल्का आटा लगाकर उसको ऐसे बना लिया है। तो ये बीच में थोड़ा सा चिपकता भी है तो ध्यान रख के बनाएं आप। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें उसके ऊपर और इसको 3 साइड से ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे 2 साइड से और फिर 3rd साइड से ऐसे, और हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए इसमें थोड़ा सा बटर लगा लें और चारों तरफ से इसको बटर लगाते हुए थोड़ा सा प्रेस करें और बीच में ये फिलिंग डाल दें। और इसको ऐसे ये फिलिंग इसमें डाल दें जितना भी आपको ठीक लगे और
बस इस तरीके से इसको ऊपर से प्रेस कर दें। और ये बनकर रेडी हो गए हैं। 5 मिनट इनको रखूंगी और उसके बाद इसको मैं बेक करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं। तो मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर लें हाथ से, और ये 3 साइड से ऐसे एक ट्राइंगल जैसा आपको बनाना होगा यहाँ पे, बस इस तरीके से। और इसको अच्छे से प्रेस कर लें दबाते हुए हाथ से। और नीचे नीचे थोड़ा सा सूखा आटा रखें जिसे स्टिक ना हो जाए, और इस तरीके से इसमें फिलिंग डालें और इसको तीनों साइड से ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर दें अच्छे से। और ये स्टिक हो गए हैं। और 5 मिनट के लिए रखने के बाद फिर मैं इसको ओवन की तरफ लेकर जा रही हूँ, और इसको मैं OTG में 250 डिग्री पर हाफ एन आवर के लिए मैं इसको बेक करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये 250 डिग्री पर किया है इसको हाफ एन आवर के लिए। और आप देख सकते हैं कि चिंगी पार्सल्स बनकर रेडी हो गए हैं। और इसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बटर को ऐसे ही लगा दिया है। और बस ये देखिए कितनी जल्दी से बनकर रेडी हो जाती हैं। तो चलिए फिर, वीडियो अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।